नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। मोदी सरकार लगातार राहुल गांधी के दबाव में आती जा रही है और इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, ये जो दो मोदी सरकार में बड़े साथी हैं, उनके दबाव में भी इस समय सरकार दिख रही है, खासकर मोदी जी। क्योंकि अभी तक मोदी जी का ये था कि वो मनमाने फैसले लेते थे, नोटबंदी से लेकर जीएसटी और लॉकडाउन से लेकर कृषि बिल तक किसी फैसले पर उन्होंने कभी किसी की राय लेना जरूरी नहीं समझा। इस बार भी मोदी सरकार इसी तरह के मनमाने फैसले ले रही थी, लेकिन एक के बाद एक उसको अब अपने फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार लगातार राहुल गांधी के दबाव में आ रही है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ना बोले, अगर इसको हम एनडीए बोले, तो ये हम कह सकते हैं कि एनडीए में इस समय बड़ी फूट पड़ चुकी है। ताजा मामला जो है वो लेटरल एंट्री का है। आपको मैं बता दूं कि लेटरल एंट्री यानी यूपीएससी की परीक्षा पास किए बगैर केंद्र सरकार में जो अधिकारी स्तर की जो नियुक्ति होती है उसको लेटरल एंट्री के जरिए करने का फैसला मोदी सरकार ने 2018 में किया था, और तब से लेकर अब तक 57 नियुक्तियां सरकार कर चुकी है। और हाल ही में 17 अगस्त को मोदी सरकार ने एक विज्ञापन निकाला था, जिसमें विज्ञापन था यूपीएससी की ओर से, संघ लोक सेवा आयोग की ओर से, और जिसमें 45 नियुक्तियों की बात की गई थी। इस विज्ञापन के आने के बाद से सियासत तेज हो गई और विपक्षियों ने, यानी कांग्रेस में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनके साथ साथ मायावती ने भी इसका विरोध दर्ज किया था और अपनी कड़ी चिंताएं जतलाई थी। और ये कहा था कि ये फैसला जो है ये सीधे सीधे आरक्षण को खत्म करने का है और संविधान पर ये बड़ा प्रहार है। लेकिन मोदी सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, मगर अब सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ रहा है, क्योंकि एनडीए के साथी है जेडीयू और उधर है चिराग पासवान की लोजपा। इन दो दलों ने भी अपना कड़ा विरोध इस फैसले पर जताया और उसके बाद मोदी सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। इस फैसले के पीछे मोदी सरकार का ये जो झुकना दिख रहा है या उसकी जो कमजोरी दिख रही है, क्या कुछ है ये मामला, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कांग्रेस का एक ट्वीट जो आज ही उन्होंने किया है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। क्या है वो ट्वीट, ये देखिए। यहाँ पर राहुल गांधी के एक बयान के साथ कांग्रेस ने ये लिखा है कि लेटरल एंट्री यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ धोखा है, वंचितों के सामाजिक न्याय पर प्रहार है। राहुल गांधी का एक पहले का, दो दिन पहले का बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी, ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि ये जो कदम है ये दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना है। इस बारे में हमने कल ही इस कार्यक्रम में चर्चा की थी कि राहुल गांधी ने किस तरह मोदी सरकार पर हमला बोला है। और गजब देखिए कि कल ये राहुल गांधी का हमला होता है, उसके बाद चिराग पासवान का बयान आ जाता है जिसमें वो इस फैसले को गलत बताते हैं। उधर जेडीयू की ओर से केसी त्यागी भी यही कहते हैं कि ये फैसला बिल्कुल गलत है और अगर सरकार ने ये फैसला ले लिया तो इसमें विपक्ष को एक हथियार मिल जाएगा और राहुल गांधी वंचितों के नेता बन जाएंगे, सामाजिक न्याय के वो नेता बन जाएंगे। ये केसी त्यागी ने चिंता जाहिर की थी। यानी एक तरफ केसी त्यागी संविधान को खत्म करने पर तो चिंता जता ही रहे थे, उनकी ज्यादा बड़ी चिंता शायद ये थी कि राहुल गांधी कहीं इसमें नेता ना बन जाए, क्योंकि वो भी ये मान रहे हैं कि ये जो फैसला है ये सीधे सीधे मोदी सरकार जो है इसके जरिए विपक्ष को एक मुद्दा थमा रही है कि किस तरह सामाजिक न्याय और उसको खत्म कर रही है मोदी सरकार, किस तरह आरक्षण को खत्म करने के लिए पिछले दरवाजे से एंट्री कर रही है, किस तरह आरक्षण को खत्म कर रही है, किस तरह संविधान की भावना को चोट पहुंचा रही है। लेटरल एंट्री पर कांग्रेस का जो विरोध था उसके उसके जवाब में जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, कल उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये तो कांग्रेस का फैसला है। 2005 में जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना था और उसमें मनमोहन सिंह सरकार ने ये फैसला लिया था कि इस तरह से नियुक्तियां की जानी चाहिए, और अश्विनी वैष्णव ने अपने तर्क को ज्यादा वजनदार करने के लिए ये तक कह दिया कि मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, रघुराम राजन, सैम पित्रोदा, ये सारे नाम जो हैं ये लेटरल एंट्री के जरिए ही सरकार में आए हैं, ये कांग्रेस के जमाने की बात वो बता रहे हैं। तो
तो ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को माना कि कांग्रेस ने ये फैसला लिया था, लेकिन वो केवल स्पेसिफिक पदों के लिए और स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए था। यानी अगर किसी जगह ऐसा लगता है कि यहाँ किसी अर्थशास्त्री की जरूरत है या किसी तकनीकी ज्ञान वाले की जरूरत है तो उसको उस तरह की नियुक्ति की जाती है। ये नहीं था कि थोक के भाव में इस तरह की नियुक्तियां खोली जाएं। मोदी सरकार ने यही काम किया, पहले 2018 में किया और अभी फिर वो यही करने जा रही थी। 45 पद भरने की तैयारी थी सरकार की, लेकिन जब विपक्ष के विरोध के साथ साथ एनडीए के साथी भी इसके विरोध में उतर आए तो मोदी सरकार को अपना ये कदम पीछे लेना पड़ा। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इस बारे में क्या कहा है, इसको सुन लेते हैं। सामने दिखाई दे रहा है किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि जो चिराग पासवान है उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन जो है वो किसी भी तरीके से जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो कोलिशन सरकार में है, अब वो अकेले बादशाह बनकर जो निर्णय मन में आए वो ले लें, नोटबंदी कभी कर दी कभी कुछ, ऐसे नहीं कर सकते। अब उन्हें कम से कम अपने पार्टनर्स से सलाह मशविरा करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। आपने देखा वक्फ किया जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे तब भी नायडू जी उसके विरोध में थे, नीतीश जी उसके विरोध में थे, तो इनको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। ये बार बार टू एंड फ्रो करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा, अपने लोगों से सलाह मशविरा करके बिल पास करवाएं। सर लेकिन लगता है आपको कि ये सरकार के इस फैसले को, राहुल गांधी ने भी कहा और तमाम कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रिजर्वेशंस के को खत्म करना और एक तरीके से तानाशाही फैसला है, इसको आगे किस तरीके से आप लोग पॉलिटिकल एरिना में किस तरीके से उठाएंगे? नहीं, हम तो लगातार उठा ही रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा ये दबाव काम आएगा। 2017 से और 21 के बीच में जो नियुक्तियां लेटरल एंट्री के थ्रू हुई थी उसमें भी आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा गया, तो जो हमारे आरोप हैं कि संविधान को पर ये हमला बोल रहे हैं, चोरी छिपे उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, बैकडोर से ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। तो ये पवन खेड़ा का कहना है कि ये बैकडोर से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं के अलावा जो इस देश में ये सामाजिक न्याय की समझ रखने वाले तमाम लोगों ने इसी तरह की चिंता जाहिर की थी कि आरक्षण को ऐसे नहीं तो वैसे खत्म किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब लेकिन सरकार दबाव में आ गई है क्योंकि जैसा पवन खेड़ा कह रहे हैं कि उन्हें अब कोई भी कदम उठाने से पहले अपने साथियों से राय मशविरा कर लेना चाहिए, लेकिन शायद पुरानी आदत है मोदी की जाते जाते ही जाएगी, या हो सकता है उसके पहले सरकार ही चली जाए क्योंकि दबाव में तो मोदी दिख ही रहे हैं। पहले वक्फ बोर्ड का फैसला, उसको भी इसी तरह से उन्होंने सोचा था कि हम संशोधन कर लेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष के साथ साथ जेडीयू ने भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की, टीडीपी ने आपत्ति दर्ज की और फाइनली ये हुआ कि उसको आपको संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा, ब्रॉडकास्ट बिल को भी अभी टालना पड़ा और अब ये तीसरा मामला है जिसमें मोदी सरकार दबाव में आती दिख रही है। तो क्या मोदी सरकार के दबाव में आने का एक कारण राहुल गांधी का बढ़ता कद है और उनकी जो सामाजिक न्याय की समझ है, जिस तरीके से वो सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या उसका जवाब देते अब सरकार से नहीं बन पा रहा है? और दूसरी बात, क्या एनडीए में जो फूट बढ़ती जा रही है उसको देखकर मोदी अब डर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार को सबसे बड़ा खतरा तो उनके अपने करीबियों से ही है? क्या है सारा मामला, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी जो कि हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं। अमलेंदु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अभी आपने ये जो ट्वीट देखा कांग्रेस का, इसके अलावा आपने पवन खेड़ा की बाइट भी सुनी जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनको अपने साथियों से राय मशविरा कर लेना चाहिए, और अभी कुछ मतलब आधा घंटे करीब की खबर है कि ये जो सरकार ने ये फैसला लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों का फैसला फिलहाल वापस ले लिया है, और ये वापस भी किस तरह से लिया उसमें भी बड़ी चालाकी की है सरकार ने। एक पत्र जारी किया है कार्मिक मंत्रालय की ओर से, जितेंद्र कुमार जो मंत्री हैं उन्होंने यूपीएससी की जो चेयरपर्सन है प्रीति सुदन उनको एक पत्र लिखा है कि आपने एक विज्ञापन निकाला और जिसमें ये लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों की बात थी, लेकिन इसमें सामाजिक न्याय की उपेक्षा हो रही है, ये संविधान के खिलाफ है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको माना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस के जमाने में जो नियुक्तियां हुई थी उसमें प्रोसेस का जो एक पारदर्शी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इसीलिए आप फिलहाल इस फैसले को यहाँ रोकिए। यानी उन्होंने सारी बातें कांग्रेस पर टाल दी। यहाँ पर जितेंद्र सिंह कहीं ये नहीं बता सके
कि जो 2018 का फैसला था उसमें क्या किन प्रक्रियाओं का पालन हुआ था, या मोदी जी को जो चिंता हुई है वो अब जाके क्यों हुई जब बाकी सारे लोगों ने इसका विरोध किया। 17 अगस्त का फैसला है तो क्या 3 दिन लग गए मोदी जी को ये अखबार का विज्ञापन पढ़ने और समझने में, जो आज 20 तारीख को जाकर वो ये बोल रहे हैं कि अब ये फैसला वापस लो। इसमें मोदी अपनी साख बचा रहे हैं या वो सत्ता बचा रहे हैं या वो दोनों की लुटिया जो है डुबो चुके हैं। ये देखिए, ये बड़ा चौड़ा पत्र है, 1.5 पन्नों का पत्र है और जिसमें ये साफ साफ उन्होंने ये लिखा है कि ये सारा जो फैसला है ये गलत है और ये संविधान के खिलाफ है और उसमें प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, और जब ये, क्योंकि उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और हम वंचितों के अधिकार को दिलाना चाहते हैं, ये सारी बातें जितेंद्र सिंह ने लिखी हैं। क्या कहेंगे अमरिंदर जी? देखिए सरमित्रा जी, जो ये सरकार ने वापस लिया है इसमें दो चीज़ें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। सरकार मजबूर हुई है इसको वापस लेने के लिए, और वापस लेने के लिए मजबूर दो कारणों से हुई। एक तो राहुल गांधी का खौफ जो है वो इस सरकार के ऊपर हावी हो गया, दूसरा इस मसले पर उसके सहयोगियों में ही विद्रोह के स्वर उठ गए। दो कारणों से ये सरकार इसको वापस लेने पर मजबूर हुई। साथियों के विद्रोह को एक बार दबा भी सकती थी सरकार, और JDU और चिराग पासवान की आपत्तियों को दरकिनार भी कर सकती थी, या उनका एक डिसेंट नोट स्वीकार करते हुए भी इस पर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन असली जो दर्द है सरमित्रा जी, उसके पीछे वही है जो कि KC त्यागी ने अपने बाद में कहा, एक अंग्रेज़ी अखबार से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि सरकार खुद राहुल गांधी को ये मुद्दा दे रही है। राहुल गांधी चूंकि इस मसले को उठा रहे हैं तो राहुल गांधी दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर जाएंगे, उनके चैंपियन बन जाएंगे, और सरकार खुद जो है ये अवसर मुहैया करा रही है। अब देखिए सरमित्रा जी, अब ये सरकार जो मुहैया करा क्या रही है, मुहैया करा चुकी राहुल गांधी के दबाव में ये वापस हो रहा है, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, वरना ये सरकार इस पर पलटने वाली नहीं थी और वापस इसको नहीं लेती। यानी कि एक तरीके से जो कमज़ोर सरकार है, वो कमज़ोर सरकार इस मुद्दे पर किस तरीके से आगे बढ़ रही थी, और कल जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव ने जो चीज़ें गिनाई, और आज भी जो जितेंद्र सिंह जो कि PMO में मंत्री हैं, उनका जो ये पत्र है उसमें भी जो बातें गिनाई जा रही हैं जिस तरीके से, यानी कि ये एक तरीके से बताने की कोशिश ये की जा रही थी कि चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार ने सैम पित्रोदा को बना दिया था, चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार ने रघुराम राजन को नियुक्त कर दिया था, इसलिए ये सरकार जो है वो 45 पदों पर एंट्री कर रही है। एक तो ये राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं सुमित्रा जी की, केंद्रीय जो सचिवालय है उसमें 90 सचिव स्तर के IAS अधिकारी हैं, उनमें OBC के और कितने मंत्री सचिव हैं और दलितों के कितने सचिव हैं, इसको लेकर के राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे। अब ये जो लेटरल एंट्री के जरिए भर्तियां होनी थी, 45 भर्तियां होनी थी, इन 45 में आरक्षण का कोई नहीं रखा गया था कि इसमें कोई आरक्षण वर्ग से भी होगा। दूसरा ये कर दिया गया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये सारे के सारे लोग कॉरपोरेट घरानों से लाए जाने थे और सीधे ले जा करके उस जो 90 का जो कोटा है उसमें 45 भर्ती कर दिए जाने थे। यानी यहाँ दो चीज़ें होनी थी, एक तो जो पूरी भर्ती की प्रक्रिया है उसको बाईपास करके ये लोग आते, IAS की जो परीक्षा है उसको बिना पास किए हुए ये लोग आते, ये सीधे उच्च पदों पर जाते, यानी IAS की परीक्षा पास करने के बाद भी एक लंबा जो अनुभव लेने के बाद और प्रमोशन के जरिए जो लोग पहुंचते हैं उसको दरकिनार करते हुए ये लोग सीधे सीधे सचिव स्तर के नियुक्त हो जाते। कॉरपोरेट घरानों से आते, हो सकता है अडानी अंबानी के ही लोग होते जो उनके यहाँ होते, जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव जी सरकार में शामिल हैं और वो सीधे सीधे वहीं से आए हैं, कॉरपोरेट घरानों से आकर मंत्री बन गए हैं, या एस जयशंकर जिस तरीके से, या हरदीप पुरी जिस तरीके से आए वहाँ से प्रशासनिक उससे निकल करके और सीधे यहाँ सरकार में मंत्री हो गए, इसी तरीके से ये नियुक्तियाँ हो जाती और ये नियुक्तियों में कोई भी मानदंड जो है वो नहीं किए जाते, उनका पालन नहीं किया जाता। तो इस पे राहुल गांधी के दबाव में जिस तरीके से सरकार आई है तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि यहाँ सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने दो खतरे नज़र आए। एक तो राहुल गांधी चैंपियन बन जाएंगे, दूसरा जो सहयोगी दल हैं वो विद्रोह कर रहे हैं कि इसमें आरक्षण के मापदंड हैं उनका पालन नहीं किया गया है और ये सीधी भर्ती नहीं होनी चाहिए, चिराग पासवान ने तो साफ तौर पे कहा। KC त्यागी ने बहुत चतुराई के साथ ये भी बताया कि हम इसका कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये खतरा भी मोदी जी को आगाह कर दिया कि राहुल गांधी चैंपियन बन रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि इसके जरिए
आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं होता है, तो यानी कि वहाँ भी ये मसला उठना शुरू हो गया। तो बीजेपी के सहयोगी हैं उनके अंदर जो चीज़ें शुरू हुई उससे भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि ये विद्रोह के स्वर हमारे अंदर उठ रहे हैं, एनडीए में उठ रहे हैं और राहुल गांधी चैंपियन बन जाएंगे। केसी त्यागी ने ये याद दिला दिया। तो मूल मंत्र जो है वो केसी त्यागी ने मोदी जी को दिया कि आप खुद जो है राहुल गांधी को चैंपियन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये खतरे में जो है मोदी सरकार पीछे हटी है। अब ये कहा जाना कि मोदी जी इससे नाराज है, अरे मोदी जी अगर नाराज है तो जारी कैसे हो गया पत्र? भाई यूपीएससी जो है वो क्या सरकार से ऊपर है? बिना सरकार की सहमति के यूपीएससी ने पद निकाल दिए? ये बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कैसे कोई यूपीएससी का चेयरमैन इसको निकाल सकता है? और जबकि अभी नई नियुक्त हुई है यूपीएससी की चेयरमैन, यूपीएससी की पिछले वाले तो चले गए इस्तीफा देकर के, जो नई नियुक्ति हुई है वो तो इसी सरकार ने नियुक्ति की है। तो बिना केंद्रीय सरकार केंद्र सरकार की अनुमति के या बिना उसकी सहमति ये कैसे जारी हो गया पत्र, कैसे विज्ञापन निकल गया? जाहिर सी बात है कि सचिव स्तर के पद पे सीधी भर्ती यूपीएससी का चेयरमैन खुद नहीं निकाल सकता जब तक कि केंद्र सरकार की इस पर नीतिगत सहमति नहीं हो। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार की इस पर नीतिगत सहमति थी, इसलिए ये पत्र जारी हुआ, इसलिए विज्ञापन निकाले गए। और उस विज्ञापन पर चूंकि विवाद हुए, राहुल गांधी ने उसको जोरदार तरीके से उठाया, अखिलेश यादव ने उसको उठाया, मायावती भी इसके विरोध में उतर आई जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी समझी जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित सहयोगी हैं वो भी इसके विरोध में उतरे। तो ये समझ में आ गया कि राहुल गांधी इस मसले पर लीड ले चुके हैं, तो इसलिए सरकार को वापस होना पड़ा ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने तो लीड ले ही ली थी और उनके दबाव में मोदी सरकार दिख ही रही है। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ मुझे एक ऐसा लगता है कि जो एनडीए के सहयोगी हैं उनको भी अब अपनी साख की चिंता तो हो ही रही है, क्योंकि मोदी सरकार का फैसला होगा और नाम सबका आ जाएगा कि भाई इस फैसले में ये भी शामिल है। दूसरी बात जो मुझे लग रही है कि चाहे ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, इन सब के जो तमाम शीर्ष अधिकारी हैं वो तो अभी तक इस बात के लिए, मतलब क्योंकि उनको उनके ऊपर ये उंगलियां उठती हैं कि वो अपने पद से न्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से न्याय नहीं कर रहे हैं और सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। और अभी ये जो प्रीति सुदन, मतलब कुछ दिन हुए इनको ये पद संभाले गए, राज्य सरकार ने इनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है वो डाल दी कि ये फैसला आपका जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक मोदी सरकार, जो पहले की जो कांग्रेस सरकारें हैं उनको कोसती रहती थी, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया, उनको कोस रही थी, अब जो है वो इस जिम्मेदारी डाल रही है अधिकारियों पर। तो अब ये जो तमाम जितने भी अलग अलग आयोग या पदों को संभाल रहे लोग, ये उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो सरकार का किस हद तक उसका साथ दे या उसके दबाव में आकर काम करें, क्योंकि इनकी अपनी साख जो है वो अब दांव पर लग रही है। ये जो पत्र अभी चल रहा है हमारी स्क्रीन पे अमलेंदु जी, इसके दो पैराग्राफ छोटे छोटे मैं अभी यहाँ सुना देती हूँ। इसके चौथे पैराग्राफ में जितेंद्र सिंह लिखते हैं, व्हाइल मोस्ट ऑफ द मेजर लेटरल एंट्रीज बिफोर 2014 वर मेड इन एन एडहॉक मैनर, यानी 2014 के पहले जो हुआ वो एडहॉक मैनर में जिस तरह से हुआ, इंक्लूडिंग केसेस ऑफ अलीज्ड फेवरिज्म एंड एफर्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट टू मेक द प्रोसेस इंस्टीट्यूशनली ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट एंड ओपन। यानी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पहले जो हुआ उसमें फेवरिज्म यानी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया और हम जो है वो ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। वो ये भी लिख रहे हैं कि फर्दर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द फर्म बिलीव, यानी उनका ये मजबूत विश्वास है, दैट द प्रोसेस ऑफ लेटरल एंट्री मस्ट बी अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एंड्रेस्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली कंसर्निंग द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। यानी यहाँ पर बड़े चालाकी से वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी का तो ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि जो भी होना चाहिए लेटरल एंट्री में भी अगर ये होती है भर्ती प्रक्रिया, तो वो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है या जो समानता और बराबरी का अधिकार है उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अगर ऐसा था तो फिर यूपीएससी ने कैसे एक विज्ञापन निकाल दिया जिसमें कहीं भी ये नाम ही नहीं था कि यहाँ पर कोटे की व्यवस्था भी की जाएगी। वो तो सीधे सीधे 45 नियुक्तियां करे जा रहे थे, और इसके पहले जो 2018 से नियुक्तियां हुई है उनमें अगर कोई इस तरह की आरक्षण की व्यवस्था का पालन हुआ है तो वो भी मोदी सरकार बता दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो 2005 में ले जाना चाह रही है देश को कि वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी और प्रशासनिक सुधार की बात हुई थी, तो फिर उसके भी पूरे डिटेल रखने चाहिए। क्या अमलेंदु जी ये उसी तरह का झूठ नहीं है जैसे मनमोहन सिंह के बारे में मोदी जी ने चुनाव में फैलाया था
कि वो मुस्लिमों को ज्यादा देना चाहते हैं हक, जबकि मनमोहन सिंह जी ने ये अल्पसंख्यकों की बात कही थी, केवल मुस्लिमों की बात नहीं कही थी। उनके एक बयान को पूरा तोड़ा मरोड़ा मोदी जी ने चुनाव के वक्त। सरकार में आने के बाद भी उनका जो रवैया है वो नहीं बदल रहा है, लेकिन अब जो जेडीयू और चिराग पासवान वो इस चीज को लेकर सतर्क हो गए। अभी आपने चिराग पासवान का जो जिक्र किया है तो मैं उनका जो बयान है वो बता देती हूँ। चिराग ने कहा है कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण मौजूद नहीं है, और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया गया तो वो गलत होगा। ये जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और ये मेरे लिए चिंता का विषय है। सरकार के सदस्य के रूप में उनके पास इस मुद्दे को उठाने के लिए मंच है और वो उठाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है वो इस तरह के कदम के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में चिराग पासवान ने ये जो बताया, ये जो बयान है अमरिंदु जी। और इधर अखिलेश यादव ने तो बाकायदा 2 अक्टूबर से इस पर आंदोलन की धमकी दे दी थी। तो क्या लग रहा है मोदी सरकार, क्या अभी किस मुगालते में, उसको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कोई भी फैसला लेगी और लोग उसकी बात मान लेंगे? क्योंकि जाति जनगणना की बात भी नहीं मान रही, लेकिन चिराग पासवान इसके पक्ष में, नीतीश कुमार इसके पक्ष में रहे, उन्होंने तो करवाई है, और अजित पवार ने हाल में बयान दिया कि ये होना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि किसकी कितनी जरूरत है और किसको कितना हक मिल रहा है। ये जो सारे जो सरकार के समर्थन में लोग, अब जो समर्थक है वही इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, तो इस सरकार को आप कितना लंबा चलते हुए देख पा रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, उसमें इसका जो ये सरकार के जो फैसले वापस लेने की जो आदत दिख रही है कि किसी भी मामले पे यू टर्न मान लो, क्या ये यू टर्न वापस सरकार को पेवेलियन में पहुंचाने वाली है बीजेपी को? देखिए सर मित्र, ये हो सकता है कि कोई विपक्षी जो है वो नारा भी दे दे कि आपकी बार पलटी मार सरकार, इस तरीके का कुछ भी दे सकता है नारा, इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ मुझे लगता है सर मित्र जी, यहाँ जो जितेंद्र सिंह जी जो चिट्ठी लिख रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी को पहले एक शो कॉज नोटिस जो है वो अश्विनी वैष्णव को जारी करना चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि अभी तक तो समझा यह जाता था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी रूलिंग दे चुका है कि किसी भी केंद्रीय मंत्री का बयान जो है वो मंत्रिमंडल का सामूहिक बयान होता है, उसकी सामूहिक भावना होती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जिसमें छूट दे चुका है कि वो व्यक्तिगत तौर पे भी दे सकते हैं। अगर अश्विनी वैष्णव कल तक इसको ये बता रहे हैं कि दिस रिफॉर्म विल इम्प्रूव गवर्नेंस, कि ये सुधार जो है गवर्नेंस को सुधारेगा, इसमें उनको बढ़ाएगा, तो अश्विनी वैष्णव सही हैं या कि जितेंद्र सिंह सही हैं? पहले तो ये सरकार ये तय कर ले कि आप दोनों में से सही कौन है। अश्विनी वैष्णव तो खुद बता रहे हैं कि ये सुधार जो है वो गवर्नेंस को सुधारेगा, इसको मजबूत करेगा, और जितेंद्र सिंह बता रहे हैं कि ये सुधार बहुत ज़्यादा गलत, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसमें एक बात और भी आ सकती है सर मित्रा जी, कि इससे पहले जो सोनी साहब थे जो चेयरमैन थे यूपीएससी के, जो इस्तीफ़ा देकर गए और उसमें पूजा खेड़कर का मामला बताया कि उसकी वजह से शायद इस्तीफ़ा देकर गए, क्या पूजा खेड़कर का मामला इसीलिए इतना उठाया गया और इतना ज़्यादा बढ़ा कि उसमें मनोज सोनी को इस्तीफ़ा देना पड़ा, कि लेटरल एंट्री पे क्या मनोज सोनी जो थे वो ये सहमति देने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनको जाना पड़ा कि वो ये, चूंकि हम लोगों ने देखा है कि आरबीआई में जिस तरीके से गवर्नर बदले थे, और उसमें भी ये बातें आई कि चूंकि आरबीआई के गवर्नर जो थे वो नोटबंदी पर और जो रिजर्व बैंक का रिजर्व निकाला गया है उस पर चूंकि सहमति देने को तैयार नहीं थे, तो उर्जित पटेल जैसे गवर्नर जो कि समझा जाता था कि मोदी जी के बड़े नज़दीकी हैं, वो चूंकि सहमत नहीं थे रिजर्व बैंक का रिजर्व निकालने के लिए, तो उनको भी जाना पड़ा था। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की सत्ता के गलियारों में घूमती रहती हैं। तो यहाँ ये भी एक सवाल घूम रहा है कि क्या मनोज सोनी की छुट्टी इसीलिए हुई कि वो लेटरल एंट्री पे बिना आरक्षण के और सीधे सीधे भर्ती को सहमति देने के लिए तैयार नहीं थे, और प्रीति सूदन जो है इस पर सहमति देकर के आई हैं तभी उनको दिया गया। चूंकि जितेंद्र सिंह का ये आज का पत्र और अश्विनी वैष्णव का कल का ट्वीट दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं, इसका मतलब इस सरकार के अंदर सरमिता जी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मंत्रियों में आपसी कोई सहयोग नहीं है, मंत्री बिना प्रधानमंत्री के सहमति के कुछ बयान दे देते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों से कोई बात नहीं करते हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसका मतलब प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल के ऊपर कोई अंकुश नहीं रह गया है, सारे मंत्री निरंकुश हो गए हैं, और अगर सारे मंत्री निरंकुश हो गए हैं अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अल्लबल्ल जिसके मन में जो आता है वो बोलता रहता है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता में एक पद एक क्षण भी बने रहने का अधिकार नहीं है जिसके मंत्री उसकी इच्छा के बिना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इच्छा है, इसमें यह पता नहीं कि प्रधानमंत्री इच्छा है भी कि नहीं है, कि जितेंद्र सिंह की चिट्ठी भी ऐसी जारी हो गई है जैसे अश्विनी वैष्णव का ट्वीट था,
तो अब इस पर प्रधानमंत्री जब तक खुद आकर के नहीं कहें कि वो किसके समर्थन में खड़े हैं, अश्विनी वैष्णव के समर्थन में खड़े हैं कि जितेंद्र सिंह के समर्थन में खड़े हैं, तब तक इस पर कोई राय नहीं बनाई जा सकती। और प्रधानमंत्री को खुद आकर के इस पर बात करनी चाहिए। जितेंद्र सिंह की चिट्ठी भी जो है उसी तरीके की है जिस तरीके का अश्विनी वैष्णव का ट्वीट है। तो ये जो अंतर विरोध इस सरकार के अंदर है शर्मित्रा जी, ये समझा जा सकता है कि साफ तौर पर सिर्फ सहयोगियों में अंतर विरोध नहीं है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार जो है वही इसके विरोध में नहीं है, सरकार के मंत्रियों में भी इसको लेकर के विरोध है। तो क्या ये अंतर विरोधों से जूझती हुई सरकार है? ना सिर्फ सहयोगियों के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, बल्कि मंत्रिमंडल के स्तर पर भी इसके अंदर गहरे अंतर विरोध हैं। तो जो आपने कहा कि ये क्या पेवेलियन जाने वाली सरकार है, निश्चित तौर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर सरकार के दो बड़े मंत्री अगर एक दूसरे से सहमत नहीं हैं और आपस में ही इस तरीके का वाद प्रतिवाद उनमें चल रहा है, तो ये सरकार जो है वो निश्चित तौर पे पेवेलियन में बैक होने वाली सरकार ही समझी जाएगी समिता जी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार के पेवेलियन में जाने की बात उठी इसलिए क्योंकि सरकार के फैसलों में इतने झोल दिखाई दे रहे हैं लगातार। और ऐसा नहीं कि एक मामले में कुछ ऐसा हुआ हो, गफलत हुई हो, वक्फ बोर्ड का मामला उसमें अलग सुर दिख रहे हैं, जाति जनगणना की बात करिए तो बीजेपी के भीतर ही अलग अलग बातें उठेंगी, ये जो ब्रॉडकास्ट बिल है उसको लेकर लोग सहमत नहीं है, विनेश फोगाट के मामले में अलग अलग तरीके से बातें हो रही है। यानी या तो मोदी जी इतने अनभिज्ञ हैं या उनको बिल्कुल नादानी से वो सरकार चला रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनके मंत्री जो है या उनके माथा जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और बाद में आप उस चीज का, जैसे वो प्रज्ञा ठाकुर ने बोल दिया और आपने बोला कि मैं उनको दिल से माफ नहीं करूंगा, तो आप इसी तरह के बयान फिर देते जाइए कि मैं इनको भी दिल से माफ नहीं करूंगा, उनको भी नहीं करूंगा, उनको भी नहीं करूंगा। पर वो, लेकिन ये तो आप दिख रहा है कि सरकार के भीतर ही किसी चीज को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। सब लोग जिसको मर्जी आ रही वो अपने हिसाब से काम कर रहा है या बयान दे रहा है या ट्वीट कर रहा है या चिट्ठी जारी कर रहा है। अगर प्रीति सुदन ने भी अगर इस तरह का विज्ञापन निकाला तो जैसा आपने कहा कि एक नोटिस तो अश्विनी वैष्णव को जाना चाहिए कि भाई आपने ऐसी बात क्यों बोली, दूसरा नोटिस मेरा ख्याल है प्रीति सुदन को भी एक मिलना चाहिए कि यूपीएससी ने इस तरह के क्यों अगर विज्ञापन निकाले अगर सरकार की मंजूरी इसको नहीं थी। और या तो मोदी जी, जितेंद्र सिंह मोदी जी का नाम लेकर एक चिट्ठी दे वो अलग बात है, मोदी जी के पास क्या मतलब जब वो ट्वीट कर सकते हैं, आज भी उनके बहुत सारे ट्वीट आए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो क्यों नहीं इस इतने गंभीर मसले को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया, ये सवाल भी उठ रहा है। और ये बात केवल ये नहीं है कि जो मंत्री हैं उनमें ही अंतर विरोध दिख रहा है, जो अंतर विरोध है वो एनडीए के दलों में भी है। जैसे केसी त्यागी ने जो बोला है, उन्होंने तो साफ साफ ये कहा है कि हम एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से सरकारों से कोटा भरने के लिए कहती है, हम राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं, जब लोग सदियों से सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं तो आप योग्यता की तलाश क्यों कर रहे हैं, सरकार का ये आदेश हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। और ऐसा करके सरकार विपक्ष को एक मुद्दा तश्तरी में परोस रही है और राहुल गांधी सामाजिक रूप से वंचितों के चैंपियन बनेंगे, हमें विपक्ष के हाथों में हथियार नहीं देना है, ये केसी त्यागी ने कहा। लेकिन जो दूसरे सहयोगी हैं सरकार के टीडीपी, उसके जो राष्ट्रीय महासचिव है नारा लोकेश, वो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कई सरकारी विभागों को विशेषज्ञता की आवश्यकता है और हमें खुशी है कि इसे लेटरल एंट्री के जरिए लाया जा रहा है, हम हमेशा विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के पक्ष में रहे हैं, सरकार को निजी क्षेत्र से सीखना चाहिए, हम केंद्र सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें शासन की गुणवत्ता और आम नागरिक तक सेवाओं की डिलीवरी में वृद्धि होगी। ये जो नारा लोकेश का बयान है ये वैसे ही है कि देश नहीं चलाना है, एक कंपनी चलाना है और उसको निजी क्षेत्र की तरह, जैसे ये भारत नहीं हुआ, ये इंडिया इनकॉर्पोरेशन टाइप की कोई कंपनी हो गई जिसको सीईओ जो है नरेंद्र मोदी है और वो इसको निजी क्षेत्र की तरह चलाए। नारा लोकेश का जो बयान है ठीक है, ये तो उनकी अपनी राय है, केसी त्यागी ने जो बोला वो उनकी अपनी राय है। सवाल ये है अमलेंदु जी, क्या मोदी सरकार इस तरह दो अलग अलग राय रखने वाले दलों को साथ में लेकर चल सकती है? क्योंकि अगर वो चलने की कोशिश करेगी, जो महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार के लिए कहा जाता था कि तीन पहियों की सरकार है, एक इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा, क्या यहाँ खुद उसका हाल वैसा नहीं है? और महाराष्ट्र की बात निकली अमलेंदु जी, तो देवेंद्र फडणवीस का भी वो ताजा बयान है जिसमें उन्होंने मराठा आरक्षण पर जो मनोज जरांगे ने उन पर आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा कि अगर शिंदे इसको बोल दे तो मैं आज इस राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इस्तीफा दे दूंगा और कोई भी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं होता। यानी यहाँ वो शिंदे को बड़ा बता रहे, खुद को छोटा बता रहे। ये जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक, क्या कहेंगे अमरिंदर जी?
देखिए सुमित्रा जी, इस देश ने पहले भी गठबंधन की सरकारें देखी, ये कोई पहली गठबंधन की सरकार नहीं है। लेकिन जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि भाई आपके मुद्दे कुछ और हो सकते हैं, हमारे मुद्दे कुछ और हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आकर के हर दल को किन्हीं मुद्दों पर समझौते करने पड़ते हैं कि ये मुद्दे हम नहीं उठाएंगे और ये मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर सबकी एक राय होगी। इसी तरीके से ये जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो वक्फ वोट का मसला आया हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल का मसला आया हो, चाहे लेटरल एंट्री का मसला आया हो, चाहे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मसला हो, ये सारे मसले ऐसे हैं जिन पर कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए सहयोगी दलों के बीच में कि ये गठबंधन की सरकार है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लागू नहीं हो सकता। ये बात नरेंद्र मोदी को समझनी पड़ेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले दिन ही समझ लिया था, 4 जून 2024 को ही उन्होंने समझ लिया था जब उन्होंने कहा था कि एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल किया है। इतनी बात समझ में आ गई थी। लेकिन जो बात आपको 4 जून 2024 को समझ में आ गई थी, वो बात आपको 20 अगस्त 2024 को भी समझ में आनी चाहिए कि ये गठबंधन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये बात आपको 20 अगस्त 2024 को भी समझ में आनी चाहिए, जो कि आपकी समझ में नहीं आ रही है। दिक्कतें सारी यही पैदा हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी अभी भी उसी तरीके से काम करना चाहते हैं कि ये मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है। मोदी की सारी गारंटियां फेल हो चुकी हैं 4 जून 2024 को। ये नरेंद्र मोदी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि आपकी सारी गारंटियां जनता अस्वीकार कर चुकी है, आपको अस्वीकार कर चुकी है। और जब तक नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक इसी तरीके से उनको पलटी मारनी पड़ेगी। सुमित्रा जी, 4 जून से लेकर के और आज तक मुझे लगता है कि शायद 2.5 महीने का लगभग समय हो गया। 2.5 महीने में अगर आपको 3 बड़े फैसले पलटने पड़ रहे हैं और आपको पलटी मारनी पड़ रही है, तो ये काफ़ी है आपको ये समझने के लिए कि आपकी सरकार नहीं है, ये गठबंधन की सरकार है और आपको गठबंधन की तरीके से काम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अगर इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो किसी दिन रात को 8 बजे हम राष्ट्र के नाम संदेश सुनेंगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस सरकार को चलाने में असमर्थ हूँ और मैं इस त्यागपत्र देकर के घर जा रहा हूँ। ये भी हम किसी दिन रात को अचानक 8 बजे सुन लेंगे फिर सुमित्रा जी, अगर नरेंद्र मोदी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की तरीके से काम करने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी को समझना है। राहुल गांधी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 जून 2024 को जो जनादेश आया है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, वो गठबंधन सरकार के पक्ष में है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो और चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, वो गठबंधन की सरकार के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। नरेंद्र मोदी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, और अगर इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो किसी दिन रात को 8 बजे आकर के नरेंद्र मोदी को यह घोषणा करनी पड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी शायद मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार होने से सुमित्रा जी यह समझा जा सकता है, अगर वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फैसले वापस ले रहे हैं, और आपने 2.5 महीने बताया तो मेरे को वो 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मुहावरा याद आ गया, लेकिन यहाँ तो ये दिख रहा है कि वो 2.5 कोस भी नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि बार बार एक कदम आगे बढ़ाते हैं 4 कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जैसा वहां पर नेता मौजूद है प्रतिपक्ष का, जो हर बात पर तार्किक बिल्कुल वो सवाल खड़े कर रहा है और जिसके जवाब देते नरेंद्र मोदी से नहीं बन पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण के खिलाफ होने का जो नतीजा था वो बीजेपी ने भुगत लिया, लेकिन मोदी सरकार शायद या मोदी खुद इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी जो सीटें घटी हैं वो इस वजह से घटी हैं। बीजेपी तो ये मान रही है, लेकिन मोदी शायद इस बात को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे फैसले ले रहे थे जिस पर संविधान पर वापस उसके खतरे को जो महसूस कर सके जनता। और अब जब मोदी को ये समझ में आ रहा है या उनके मंत्रियों को समझ में आ रहा है तो वो पलटी मारने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि एनडीए के दलों में भी आपसी फूट बढ़ती जा रही है, इधर विपक्ष जो है वो मजबूत होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में किसी तरह साख बच गई क्योंकि एनडीए की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी ने अपना नारा बदल लिया, जय श्री राम से वो जय जगन्नाथ पर उतर आए। लेकिन क्या नारा बदलने के बावजूद उनकी मानसिकता बदलेगी कि मैं अकेला सब पर भारी, ये जो बात उनकी बोलने की जो शैली है या सोच है वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम इस सरकार को ऐसे ही पलटते हुए देखेंगे। और एक दिन पलटते पलटते वो कब सरकार पीछे चले जाएगी इसका पता मोदी जी को शायद जब तक चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। उनको मेरा ख्याल है पवन खेड़ा को धन्यवाद भी देना चाहिए जिन्होंने आज साफ साफ उनको ये नसीहत दे दी। विपक्षी है लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया कि भाई आप गठबंधन को समझिए और उसके हिसाब से सरकार चलाइए, आप नहीं चला रहे, ये नसीहत अगर विपक्ष से मिल गई है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी नसीहत है।
देखना होगा कि सरकार इसको सुनती है, समझती है या फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। तो अमरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना। हमारे साथ आप बने रहिए और आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।